बत्तीस बार फार्मूला आज बिल्कुल फॉलो नहीं कर पाएंगे, और जिस दिन नहीं करते हैं ना बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। सचमुच में काम करते जाइए, लेकिन मेरा सारा ध्यान 32 बार फार्मूले पे ही होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, कब करेंगे, क्योंकि काम का इतना सारा हो जाता है ना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। बड़ों को सादर प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। तो आज दिन है शुक्रवार और बच्चे दोनों तो घर में ही हैं। इसके पापा का ड्यूटी है, लेकिन पता है इनके पापा का भी बहुत सारा आया है काम विभाग से। बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है कि कैसे क्या मैनेज करेंगे। और ये अभी मशीन से बाहर निकाले कपड़ा और बाहर निकाल के रख देंगे, और बाद में खाना वाना बनाने के बाद हम उसको फैला देंगे फ्रेंड्स। और ये मॉर्निंग का टाइम है, हम इनके लिए बना रहे हैं खाना। और ये जब स्कूल से आ जाएंगे ना तो लेके चलेंगे बच्चों को मेला घुमाने के लिए। आज कौन सा मेला है, क्या है, वहाँ सब आपको इस ब्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। और पता है मेरा तो सारा ध्यान वही 32 बार फार्मूले पे ही होता है। अंदर ही अंदर ना टेंशन होता है कि सारा काम तो कर रहे हैं पर मेरा काम कब होगा, हम नहीं कर पाएंगे अच्छे से, तो उस दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, सच बता रहे हैं। और पता है हम इधर बना रहे हैं खाना और दूध आने का भी टाइम हो गया है, और जो दूध देने आते हैं ना वो भी वही ड्यूटी करते हैं जहाँ मेला लगा हुआ है, तो वहीं उनका ऑफिस से ड्यूटी करते हैं। तो आज वो किसी और को भेज दिए हैं दूध लेकर के, और वो ऊपर नहीं आए, नीचे तक ही आए थे। तो किसी को बोल रहे थे जाके दूध ले आओ, क्योंकि हम खाना बना रहे हैं बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि इनको स्कूल जाना है ना टाइम पे। और अयांश जाके ले आया था दूध और लेके यहाँ से हटा के रख लिए हैं, और बोल रहे हैं कि तुम लोग जाओ फटाफट से ब्रश करो, मेरा यहाँ पे खाना आधा बन चुका था और दोनों बच्चे बेड पे ही थे। इसके पापा बोल रहे थे कि जल्दी से फटाफट तुम लोग ये रेडी हो जाना और फिर दिखा आएंगे मेला, क्योंकि इनको बहुत सारा काम था ना। और ये लोग नाटक पे नाटक किए जा रहा है फ्रेंड्स। हम बना रहे खाना, इसको बोले थे ब्रश करो फ्रेश हो जाओ, पापा बोल के गए हैं स्नान स्नान करके रहने के लिए, लेकिन ये नाटक कर रहा था। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा खाना बना देखिए बन चुका है, और कपड़े आंचल के पापा बाहर रख दिए थे मशीन से निकाल के, और इसको हम फैला देते हैं। हवा भी काफ़ी अच्छा खासा है, धूप भी बहुत तेज़ निकल रहा है फ्रेंड्स। और अब तो हमको धूप से डर लगने लगा है, क्योंकि तेज़ कड़ा धूप करने लगा है फ्रेंड्स, और बिना चश्मा का देखिए और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, हमको देखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। और अब हम आज देखिए साड़ी पहने हुए हैं ना, साड़ी पहन के काम करना और भी मुश्किल होता है, और लेकिन कर भी क्या सकते हैं, हम लोग साड़ी वगैरह भी रखते हैं, कभी पर्व त्यौहार भी लेते हैं ना, छोटा मोटा पर्व त्यौहार होता है घर में तो उसमें कॉटन साड़ी लेते हैं, तो उसको गर्मी के मौसम में यूज कर लेते हैं, और फैंसी साड़ी होता है उसको जाड़े के मौसम में उसको कभी यूज कर लेते हैं घर में, और नहीं तो ऐसे ही रखा रह जाएगा फिर साड़ी नहीं पहनेंगे तो। और देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, जिस दिन ज़्यादा काम होता है ना फ्रेंड्स, उस दिन क्या करते हैं ना, बिल्कुल जब तक मेरा काम नहीं हो जाता है, हाँ लेट से थोड़ा खा ले ये चलेगा, लेकिन 32 बार फार्मूला को फॉलो नहीं करें ये हमसे नहीं हो पाता है फ्रेंड्स। हम ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलते हैं, क्योंकि इधर से मेरा शरीर थोड़ा फैल गया है, हमको काफ़ी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है। और ये भी लग रहा है कि अगर अभी ध्यान नहीं देंगे ना फ्रेंड्स तो यहाँ में जब मोटापा ज़्यादा बढ़ जाता है ना, उस वक्त हम लोग को वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा जो भी इस चीज़ से मतलब गुजर रहे हैं, उनको लग रहा है कि काफ़ी कुछ फॉलो कर लिए हैं, अपना लिए हैं, फिर भी वेट लॉस नहीं हो रहा है, तो कितना मुश्किल होता है वेट लॉस करना। उन महिलाओं को पता है जिनका वेट लॉस बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है, बहुत परेशान हैं वो लोग। तो बस यही है, हमको भी टेंशन हो रहा है कि अभी से अगर हम अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो मेरा भी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और फिर बाद में वेट लॉस करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है फ्रेंड्स। तो बस वही है ना, आज इतना जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, बच्चे लोग के कारण थोड़ा सा हो जाता है ना, पास में मेला लगा हुआ है और ये लोग जिद कर रहा है, इधर तो गए ही थे एक मेला दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी होता है ना कि आसपास में जितना भी मेला लगा हुआ है और स्कूल में छुट्टी है तो दिखा दे, बस वही चीज़ है। और देखिए फ्रेंड्स बाहर कपड़ा हम दे दिए थे, उसके बाद आ गए अंदर झाड़ू देने के लिए, और इसके पापा टाइम दे करके गए हैं कुछ कि इतने बजे आएंगे और सब कोई रेडी होके रहना फिर जाएंगे। और पता है अब हवा इतना तेज़ चलता है ना, पता नहीं कहाँ से इतना धूल आता है, कैमरे में उतना पता नहीं चल पा रहा है फ्रेंड्स कि धूल है, पर हम बताएं ना बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है। और सुबह अब सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगाना पड़ेगा, क्योंकि हर साल हमको याद है गर्मी के मौसम में वही होता है, सुबह झाड़ू पोछा करते हैं, शाम में पोछा नहीं करते हैं फ्रेंड्स, फिर भी संध्या पूजा के पहले झाड़ू एक बार फिर से देना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल आता है फ्रेंड्स। यहाँ पर रोड भी है ना तो गाड़ी भी चलता है बहुत, तो उससे भी बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है हर चीज़ का,
यहाँ पे, और धूल वगैरह भी ज़्यादा उड़ता है और हवा भी अब काफ़ी ज़्यादा चलने लगा है ना गर्मी के मौसम में, वो होता है ना आंधी वाला हवा, उस टाइप से चलता है तो बहुत ज़्यादा धूल हो जाता है फ्रेंड्स। अच्छे से जब तक झाड़ू नहीं दीजिए ना तो अच्छा ही नहीं लगता फिर रूम में रहने में। तो देखिए वहाँ रूम में मेरा हो गया था झाड़ू, अब आ गए हॉल में फ्रेंड्स। और हॉल तो सचमुच में सबसे ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि पता है ना मेरी पुरानी फ्रेंड्स सबको पता है यहाँ पे हॉल में कितना सारा मेरा काम होता है, पूजा पाठ भी यहीं पे होता है, हॉल है, खाना बनाना, खाना, टीवी वगैरह देखना, सारा चीज़ होता है यहाँ पे, तो और भी ज़्यादा गंदा होता है। और बाहर का एरिया है ना, जैसे ही गेट खोलते हैं यहाँ का तो बस बाहर ही है, वहाँ से हवा से और भी ज़्यादा गंदा हो जाता है, हवा में धूल आता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे तो और अच्छे से साफ़ करना पड़ता है हमको, और यहाँ पे पोछा भी इतना अच्छा से करना पड़ता है, टाइम दे करके यहाँ पे पोछा करना पड़ता है। पहले ना पानी डाल के अच्छे से होता है ना कि पोछा में बहुत सारा पानी लेते हैं, फिर भिंगा भिंगा के ना सारा जगह पोछा कर लेते हैं, उससे क्या होता है ना धूल अच्छे से फूल जाता है, और उसके बाद फिर से पोछा को साफ़ करके उसको अच्छे से पानी निकाल लेते हैं निचोड़ के, और फिर अच्छे से पोछा करते हैं, तो बहुत ही अच्छे से क्लीन होता है मेरा यहाँ पे हॉल में, और अच्छा लगता है फिर सूखने के बाद, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। और अभी तो पता है मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी का नहीं कर रहा है, तो अभी सिंथेटिक साड़ी भी चल जाता है, फैंसी साड़ी जो होता है सिंथेटिक, वो सब भी पहन सकते हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा गर्मी करने लग जाएगा ना फ्रेंड्स, तो उस वक्त तो सिर्फ कॉटन साड़ी ही घर में पहन पाएंगे, तो अभी भी हम कॉटन ही निकाले हैं, और वैसे तो सारा साड़ी डेली यूज वाला निकाल लिए हैं हम, और अभी ये पहन लिए थे आज। और यहाँ पे देखिए मेरा सारा जगह हो गया था पोछा वगैरह, और आंचल आज ना वो क्या बोलते हैं नाश्ता हम नहीं बनाते फ्रेंड्स, क्योंकि वही जाना है ना बाहर बच्चों को मेला दिखाने के लिए, इसलिए नाश्ता नहीं बनाए थे, तो ये चाय बिस्किट खा रहे हैं दोनों बच्चे। और अब हम बाल बाल बना करके मतलब अच्छे से ऊपर कर लेंगे, क्योंकि नहाने जाते हैं ना तो बाल भींग जाता है। और देखिए यहाँ पे हम सोच रहे थे ना कुछ सूट वगैरह पहन लेंगे, तो सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। हम क्या करते हैं ना कि कपड़े को धो के आयरन करके नहीं रखते हैं फ्रेंड्स, जब जहाँ जाना होता है ना जिस दिन, तो उसी दिन हम आयरन करते हैं, क्योंकि अच्छा से यहाँ पे नहीं बना हुआ है अनबारी, हम बताते हैं ना जैसे रखते हैं तो दाग वगैरह पड़ ही जाता है और गिरने भी लगता है, कपड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो बिल्कुल अच्छा अनबारी नहीं बनाया है कारीगर, तो बस वही करते हैं कहीं जाना होता है ना तो उस वक्त ही हम आयरन करते हैं और पहन के चले जाते हैं। और जब भी कभी बनवाएंगे ना तो बस अब चौड़ा वाला अनवारी बनवाएंगे, ये तो बिल्कुल भी बर्बाद कर दिया है। और हम सोच रहे हैं ना कि कभी किचन बनाएंगे ना तो ये अनवारी का पूरा खोल करके ना उसको किचन में सेट करवा देंगे, ऐसा ही सोचे हैं हम और आंचल के पापा, पता नहीं भविष्य में क्या होगा। लेकिन बस यही है, देखिए ये वाला हम सूट को आयरन कर रहे हैं, सोच रहे हैं यही पहन के जाएं। और बस देखिए फ्रेंड्स यहाँ मेला में पहुँच चुके हैं, जो सूट आयरन किए थे बस उसको नहीं पहने, उसके नीचे का पैजामा जो है ना वो छोटा हो रहा था, तो सोचे चलो हटाओ इसको, हटा ही देते हैं। और ये एक दिन मार्केट गए थे पहन के, तो वही वाला पहन लिए। और देखिए यहाँ एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में लगा हुआ है किसान मेला, इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स कुछ। यहाँ किसान मेला लगता है, कहने का मतलब किसान लोग आते हैं बाहर से, आस पास से और दूर से भी आते हैं, और जितना भी होता है ना फल अनाज पशु पक्षी सभी लोग लाते हैं, और यहाँ पे हर चीज़ का प्रदर्शनी लगता है फ्रेंड्स। और उसके लिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसको भी यहाँ पे भाग लेना है इस चीज़ में, तो बस वही होता है, लोग देखने आते हैं, जिसको जो चीज़ अच्छा लगता है वो खरीदते भी हैं। और होता है ना कि अगर किसी चीज़ का प्रदर्शनी लगा हुआ है तो जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा जो चीज़ होता है उसको प्राइज भी मिलता है फ्रेंड्स, तो वही मेला यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम लोग के घर के पास ही होता है हर साल, तो बच्चे को घुमाने चले आते हैं। देखिए पहले भैंस था, आगे में फिर था नहीं थी, और फिर देखिए यहाँ पे देसी गाय जो होता है ना, होता है नहीं सॉरी ये क्या बोल रहे हम, होती है गाय होती है, तो यहाँ पे देखिए ये सब गाय अब नहीं देखने को मिलता है फ्रेंड्स। और ये गाय का ना दूध बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक होता है, जैसे कि सब यहाँ पे बोल रहे थे। और गाय है, भैंस है, बकरी है, और देखिए यहाँ पे बकरी है, और इतना बड़ा बड़ा बकरी मेरा बच्चा कभी देखा नहीं था, देख के ये लोग को काफ़ी आश्चर्य लग रहा था और हमको खुद लग रहा था इतना बड़ा बड़ा। और देखिए यहाँ पे बकरा भी है इधर, तो एक खटाल से बना हुआ है ना कि यहाँ पे ये चीज़ रहेगा, यहाँ पे ये चीज़, ऐसे करके एक तरह से था देखने के लिए, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे देखिए मुर्गी का है, तो तरह तरह का मुर्गी है, कितना क्वालिटी का है मुर्गी, यहाँ बत्तख है, मुर्गी है, और क्या क्या टर्की बोलते हैं बोल रहे थे यहाँ, चल यही सब है। और काफ़ी लोग इंजॉय करते हैं इस चीज़ को देखते हैं, क्योंकि ये मेला कुछ अलग होता है,
और यहाँ पे देखिए आ गए, ये बहुत बड़ा यहाँ पे बना हुआ था बॉक्स, इसमें तरह तरह का मुर्गा मुर्गी सब था और काफ़ी बड़ा बड़ा भी था। बीच बीच में देखिए ये सबसे बड़ा था ऊपर वाला, देख के डर भी लगता है। अब ये सब गांव घर में नहीं मिलता है देखने को, हम लोग के आसपास ही, तो अच्छा लगता है देखने में। और देखिए वहाँ से इधर आ जाने के बाद आ गया यहाँ पे डॉगी का बारी, यहाँ पे बड़ा बड़ा सा है देखिए यहाँ पे, तो अलग अलग नस्ल का रहता है ना, तो देखने में छोटा बड़ा और अलग अलग कलर का, सबको अच्छा लगता है बच्चों सबको देखने में ये सब चीज़। तो देखिए यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डरावना लग रहा था और सभी लोग बोल भी रहे थे कि सबसे खतरनाक ये डॉग होता है, शेर से भी लड़ने का क्षमता रहता है, शायद इसके बारे में बोल रहे थे सभी लोग या फिर किसके बारे में पता नहीं बोल रहे थे। ये डॉग ना शेर से भी लड़ने का क्षमता रखता है, लड़ लेता है क्योंकि ये काफ़ी ताकतवर होता है। और बस वही है, और देखिए एक घोड़ा भी था और पता है फ्रेंड्स, और आते जाते रहता है शाम तक में शायद, और ये लोग चले भी जाते हैं पता नहीं, इस बार घोड़ा तो एक ही है और एक बार आए थे ना बहुत सारा घोड़ा था, फ़ोटो खिंचाने का मन भी कर रहा था, डर भी लग रहा था फ्रेंड्स। तो बस यही है आज का वीडियो मेरा, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय बाय।